प्यारा प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया गया जिसके अंदर हमारे बहुत ही मोहम्मद मसलम मेहनाई भाई और डिस्ट्रिक्ट सेंटर से हमारे इनाम सिद्दीकी भाई और कराची डिवीजन के सबका जनरल सेक्रेटरी सुमेश सिंह भाई और हमारे सदर सबका फरहान हुसैन भाई और भी बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। हम उन सबका दिल से बहुत मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपने पीएस के अंदर उनका बहुत बहुत वेलकम करते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सरासर डिवीजन को सबसे पहले पाकिस्तान और दुआ करती हूँ कि मेरे भाई ने यही कहा कि वो काम के साथ रहना, हम सब काम के साथ हैं, हम इनका साथ देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कराची पाकिस्तान और दुनिया के तमाम कारकुनान और लोगों को नोबल वतन पाकिस्तानियों का बहुत बहुत मुबारक हो। जनरल मुफ्ती मुशर्रफ साहब की सालगिरह है और इस हवाले से आज नामाबाद कुछबा टाउन पी एच और खैर में प्रोग्राम इनका किया गया जिसमें एक जमे सफी की आवाम के यहाँ के जो साथी थे जिम्मेदारान थे खुरमी भाई अमान भाई उनकी पूरी टीम उन्होंने प्रोग्राम को अरेंज किया और बहुत अच्छे तरीके से इसको अरेंज किया है। मौलाना ऐसा प्रोग्राम पहला स्टार्ट हुआ आज की तारीख में, अब इंशाल्लाह कल से मजीद प्रोग्राम शुरू होंगे और मुशर्रफ साहब की सालगिरह के हवाले से अल्लाह पाक उनको सेहतियाबी दे दे और अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे और सेहत के साथ साथ जब वो पाकिस्तान वापस आए तो वही बल्दियाती निज़ाम उसी बल्दियाती कामयाब बल्दियाती निज़ाम जिसके ऊपर आज तक MPM चल रही है और दीगर जमातें चल रही हैं, मुशर्रफ साहब का कामयाब तरीन बल्दियाती निज़ाम था जो मुशर्रफ साहब के दौर में इकतदार में तरक्की हुई जो कि अब नहीं कर सकता कोई काम, क्योंकि आज आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है अगर मेयर या नाजिम इतना बल्दियाती इलेक्शन या इतना कामयाब होता तो वो काम करता। तो मुशर्रफ साहब ने वो एक जो आज आमिर और फौजियों के हवाले से जो लोग बात कर रहे हैं गफलत में डूबे हुए वो देख रहे हैं कि रांची शहर को आज भी जो पानी में डूबने से बचाया है वो इस पाकिस्तान आर्मी ने बचाया है, पाकिस्तान के जवानों ने बचाया है, पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने बचाया और आवाम के शाना बशाना मौजूद है। इस पाकिस्तान का इस मुल्क का कराची शहर का जो पाकिस्तान का हब उसको मुशर्रफ साहब की टीम मुशर्रफ साहब के लोग जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं वही बल्दियाती निज़ाम बेहतर तरीके से चलाते हैं। एक गली मोहल्ले का ही जो कारकुन होगा जो नुमाइंदा होगा वही यूसी नाजिम बन के वही टाउन नाजिम बन के इस तरीके से जो नुमाइंदगी करेगा और आवाम के दरमियान रहेगा वही दरमियान में रहते हुए तमाम काम करेगा और मुशर्रफ साहब हमेशा से ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं और MPM को भी जो बल्दियाती निज़ाम दिया था मुशर्रफ साहब ने दिया था। आज अगर वो इतने काबिल होते तो कराची शहर दुनिया के बेहतरीन तरीन शहरों में होता, लेकिन कराची शहर को सबने बेड़ा गरक कर दिया। इस दुआ गो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द बल्दियाती इलेक्शन करीब है और उसमें आवाम भरपूर मुशर्रफ साहब की पार्टी को कामयाब करेगी, मुशर्रफ साहब के नुमाइंदों को कामयाब करेगी और मुशर्रफ साहब इंशाल्लाह ताला दोबारा मुशर्रफ साहब का सिस्टम आएगा और मुशर्रफ साहब दोबारा हुक्मरान करेंगे। जिए मुशर्रफ साहब, जिए MPML, जिए पाक फौज, जिंदाबाद।
कर दे दो, इधर आओ जी। सबसे पहले तो आप लोगों का, आपकी मीडिया की टीम का ही नैर का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए माशाल्लाह, और आप लोगों ने जो है वो सीमेंट को कवर किया। ये हमारे गुलबहार के जो है 128 के जो है वो जिम्मेदारान हैं, खुर्रम हुसैन सिद्दीकी और नौमान, और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त ये इवेंट किया है। और 24 घंटे के शॉर्ट नोटिस में इन्होंने जनरल परवेज मुशरफ साहब की जो है पूरी सालगिरह का प्रोग्राम जो है वो तश्कील दी है। तो जनरल परवेज मुशरफ साहब की खसूसी हिदायत पर मैंने असलम इनाई भाई, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं कराची के, फरहान हुसैन भाई जो प्रेजिडेंट हैं, वो उमर शेख भाई हैं, और जो है वो हमारे सीनियर जिम्मेदार हैं, इसलिए हम तमाम ने शिरकत की है यहाँ पे, और इनकी हौसला अफजाई की है कारकुनान की। जिस तरह आपको पता है कि आगे जो है इंटरा पार्टी इलेक्शन है हमारे 5 तारीख को, 5 जो है वो सितंबर को जो है वो इंटरा पार्टी इलेक्शन है, उनका पैनल हमारा है, और उनका पैनल अलग मिलना जो है वो इसमें जो है वो पार्टी में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आ रहा है, और मेंबर साजी शुरू कर रहे हैं कराची से खैबर तक इंशाल्लाह। जिस तरह आपको पहले पता चला था कि पार्टी मुनासब नहीं हो पाई थी, और पार्टी जो है वो ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रॉन्ग नहीं थी, अब अलहमदिल्ला यूनियन काउंसिल और टाउन लेवल पे, सिटी लेवल पे जो है, और उस पर जोनल डिविजनल ऑफिस पे जो है वो हम लोग जो है वो शुरू कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो अब आप लोग ये जो है वो हमारे लिए दुआ करें मीडिया के तमाम हजरात के जो है वो अल्लाह हमें इस्तकामत दे, और अब हम कराची के लिए कुछ कर सकें। कराची जो बरसात में, कचरे में और बिजली के मसाइल में डूबा हुआ है, कि आज जो है वो पूरी, आपको ये पता है कि आज सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है कि सुप्रीम कोर्ट कराची डिस्ट्रिक्ट में KESC की पूरी क़यादत का नाम ECL में डाल दिया गया है, और मेयर कराची को बकायदा चीफ जस्टिस साहब ने बोला कि जान छोड़ो कराची में। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप कराची में वो लोग हुक्मरानी करेंगे जो खुर्रम हुसैन सिद्दीकी जैसे होंगे, नौमान जैसे होंगे, जो आवाम के बीच में रहते हैं, जिनका गला पकड़ सके आवाम। ये नहीं होगा कि वो जो है वो UC की और टाउन की नुमाइंदगी वो शख्स कर रहा है जो खुद इस्लामाबाद में या लाहौर में बैठा हुआ इक्तदार के मजे लूट रहा है। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनरल परवेज मुशर्रफ साहब हमेशा ग्रास रूट लेवल पे हुक्मरानी के कायल हैं कि ग्रास रूट लेवल से लोगों को मुंतखब करके असेंबलियों में लेके जाओ, और अब उसी विजन पर इंशाल्लाह काम होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जिंदाबाद।